गाइज मैंने बहुत पहले ही सोचा था ना कि आईफोन 14 सीरीज के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये था कि कौन सा फोन आने वाला है, कितने प्राइस पे आएगा, किस कलर में आएगा, ये सब अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे। लेकिन आज के डेट में हर चीज क्लियर हो चुका है, इसलिए आज के वीडियो में आपको सब कुछ पता चलने वाला है कि आईफोन 14 सीरीज के अंदर कौन सा कलर होने वाला है, कौन सा फोन आने वाला है, कितने प्राइस तक आएगा, कौन सा प्रोसेसर आना है, हर चीज जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको सब कुछ पता चलने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे बात करना चाहूंगा, आईफोन 14 सीरीज के अंदर एक नया फीचर एड हुआ है सेटेलाइट कनेक्टिविटी का। इसके मदद से आप SOS टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं जब आपके फोन में नेटवर्क नहीं रहेगा। मान लो आप कहीं ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आपके फोन में नेटवर्क नहीं है, उस सिचुएशन में आप टेक्स्ट मैसेज करके किसी से मदद ले सकते हैं। इसलिए इस सैटेलाइट कनेक्टिविटी का फीचर आईफोन 14 सीरीज के अंदर डाला गया है। ये फीचर पॉसिबल हो पाया है, ग्लोबल स्टार अमेरिकन कंपनी है, उनके साथ पार्टनरशिप हुआ है एप्पल कंपनी के साथ, इसलिए ये फीचर आईफोन 14 सीरीज के अंदर इस बार देखने को मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पे आईफोन 14 सीरीज के बारे में। तो आईफोन 14 सीरीज के अंदर जो प्रोसेसर होगा बायोनिक A16 चिपसेट के साथ आने वाला है, और ये प्रोसेसर काफी ज्यादा इंप्रूव है, काफी हद तक ये आपके फोन को काफी कूल रखेगा। अब से पहले के फोन में देखोगे आईफोन 13 सीरीज के अंदर तो बायोनिक A15 चिप रहता था, लेकिन उससे काफी ज्यादा इंप्रूव करके इस बार आईफोन 14 सीरीज के अंदर बायोनिक A16 चिपसेट के साथ आने वाला है। ये प्रोसेसर पिछले वाले प्रोसेसर से काफी ज्यादा इंप्रूव है और काफी पावरफुल है, और आपको पता ही है कि आईफोन का प्रोसेसर कोई सा भी हो बहुत पावरफुल होता है। अब बात करते हैं कि आईफोन सीरीज के अंदर कौन कौन सा कलर अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूंगा ग्रीन कलर से, उसके बाद पर्पल कलर मिलेगा, ब्लू कलर मिलेगा, ब्लैक कलर मिलेगा, व्हाइट कलर मिलेगा और रेड कलर मिलेगा। ये सिर्फ आईफोन 14 और 14 मैक्स के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद ग्रीन, पर्पल, सिल्वर, गोल्ड, ग्राफाइट, ये पता नहीं कौन सा कलर है, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स के अंदर ये कलर देखने को मिलेगा। बात करें आईफोन 14 सीरीज के स्टोरेज के बारे में, तो यहाँ पे 128 GB मिनिमम आईफोन 14 सीरीज के अंदर स्टोरेज मिलने वाला है। इसके ऊपर आप जितना लेना चाहेंगे ले सकते हैं। आईफोन 13 सीरीज तक एप्पल कंपनी अपना यू कर्व वाला नोच देती थी, लेकिन इस बार पंच होल नोच के साथ आईफोन 14 सीरीज आने वाला है, तो ये डिजाइन में काफी चार चांद लगाने वाला है भाई। आप लोग ईमानदारी से बताना कि पंच होल का वेट आप लोग कितने दिन से कर रहे थे कि एप्पल कंपनी अपने आईफोन के अंदर पंच होल नोच दे दे ताकि डिजाइन काफी अच्छा देखने को लगे, तो ये चीज फाइनली इस बार हो चुका है। पंच होल नोच के साथ डिजाइन इंप्रूव हुआ ही है, लेकिन यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास विक्टस भी मिलने वाला है आईफोन 14 सीरीज के अंदर। तो इस बार बहुत कुछ आईफोन 14 सीरीज के अंदर आने वाला है। यहाँ पे 30 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा, यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी को भी बढ़ा दिया गया है। आईफोन 13 प्रो मैक्स में देखोगे तो 4300 mAh का बैटरी मिलता था, इस बार 4500 mAh से लेकर के 5000 mAh तक के बैटरी देखने को मिलेगा आईफोन 14 सीरीज के अंदर, तो ये भी मेरे मानने से बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। अगर यहाँ पे हम बात करें कि एप्पल कंपनी अपने आईफोन 14 सीरीज के अंदर कौन कौन सा फोन अवेलेबल करने वाली है और कितने प्राइस रेंज पे अवेलेबल करेगी, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आईफोन 14 के बारे में। ये फोन आएगा 75,000 रुपए के प्राइस रेंज पे, और ये प्राइस आगे पीछे भी हो सकता है। 7 तारीख को इवेंट है एप्पल कंपनी का, उसमें हर चीज क्लियर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे फोन होने वाला है एप्पल कंपनी की तरफ से आईफोन 14 प्रो, और ये फोन मार्केट के अंदर अवेलेबल हो सकता है 1,15,000 रुपए के प्राइस रेंज तक। तीसरा यहाँ पे फोन होगा आईफोन 14 प्रो मैक्स, जिसका प्राइस मिनिमम 1,25,000 रुपए होने वाला है। चौथा फोन होगा यहाँ पे आईफोन 14 मैक्स, जिसका प्राइस 80,000 रुपए होगा, और यहाँ पे आईफोन 14 मिनी को इस बार हटा दिया गया है। तो भाई यहाँ पे बहुत कुछ चेंज होने वाला है, पंच होल नोच मिलने वाला है, बैटरी कैपेसिटी बढ़ा दिया गया है, 30 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा, और प्रोसेसर बायोनिक A16 के साथ आने वाला है। तो काफी धमाकेदार फीचर इस बार मिलने वाला है। और एक चीज तो मैं भूल गया, सैटेलाइट सिस्टम इनेबल होने वाला है आईफोन 14 सीरीज के अंदर। ये सारे जानकारी जो मैंने बताया ये और ज्यादा कंफर्म हो जाएगा 7 सितंबर को एप्पल कंपनी का इवेंट है, आईफोन 14 सीरीज के बारे में बताया जाएगा कि कौन कौन से फोन अवेलेबल होने वाले हैं मार्केट के अंदर और उनके साथ और क्या क्या चीज आने वाला है। यहाँ पे एयरबड्स भी लॉन्च होगा कि हेडफोन भी लॉन्च होगा या फिर वॉच भी आने वाला है, ये सब और भी जो जानकारी होगा 7 सितंबर 2022 को इवेंट है उसमें और ज्यादा क्लियर यहाँ पे जानकारी मिलने वाला है। तो बस मेरे वीडियो में इतना ही बताना, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। जो लोग पहली बार चैनल पे आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।